आइए एग्जाम्पल 11 पढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद दीज डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5 के हेल्प से कितने नंबर 100 से 1000 के बीच में बन सकते हैं इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बोलो कैसे करें सर। सर एक बात पता है कि 100 से 1000 के बीच में क्या होते हैं? 3 डिजिट नंबर। अब शॉर्टकट लगा लो सीधा, क्या फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? 5। अगले के लिए? 5। अगले के लिए? 4। अब आप बोलोगे सर क्या कह रहे हो बेटा, मान लो आपने 2 रख दिया तो कितने रह गए अब? क्योंकि पहले वाले पर आप 1, 2, 3, 4, 5 भी रख सकते हो, नहीं है समझ? 0 रखोगे तो क्या 3 डिजिट क्या लाएगा? 0, 1, 2 नहीं, तो 5 × 5 × 4 100। ये था पॉइंट, क्लियर? हाँ तो रिपीट कहाँ करा है? आप बोलोगे सर 5 5 रिपीट हो रहा है। बेटा 5 5 रिपीट का मतलब ये तो काउंटिंग है कि कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट सही है। रिपीटेशन का मतलब है कि मैं 3 डिजिट बनाते हुए 2 2 4 नहीं यूज कर सकता। पॉइंट क्लियर? ये तो नंबर ऑफ डिजिट्स है कि मैं यहाँ कितने रख सकता हूँ। जैसे फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 5 ऑप्शन है। सेकंड प्लेस के लिए कितने हैं? अब मान लो मैंने रख दिया 2, कितने रह गए? कैसे 5? 5 ही रह गए क्योंकि 0 भी रख सकते हैं। अगली प्लेस के लिए मान लो 0 रख दिया मैंने, 4। क्लियर हो गई बात? आगे चले, अगला जो क्वेश्चन है मेरा दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 के मैं लिख देता हूं यहां पर ही। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करो बेटा, आप एक्सप्लेन करो उत्कर्ष, इसका मीनिंग क्या है? कितने वर्ड्स बन सकते हैं किससे? इक्वेशन का यूज करके। क्लियर? बहुत सिंपल है बेटा, देखो दो टेक्निक है। कितने है ये काउंट करना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स बन सकते बेटा 8 लेटर का वर्ड? बताओ कैसे करूं? बोलो बोलो, जो आते बोलो तो सही, रुक क्यों जाते हो? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 वो वाला, बिल्कुल यही है, यही है। देखो ना 8 लेटर्स का वर्ड है। पहली प्लेस के लिए 8, भाई इनमें से कोई भी आ सकता है। अगले के लिए 8, अगले के लिए 6, 5 4 3 2 1 यही है दूसरा। क्या तक क्लियर हो गया? अब एक बात सुन लो, ये ठीक है ये लेंदी है, बताता हूँ कैसे। सर मेरे को कितने लेटर्स का यूज करना है? 8 के 8 यूज करने हैं ना, तो सीधा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 factorial। यदि मान लो मेरे को 5 लेटर्स का वर्ड बनाना होता और मेरे पास 5 ही लेटर्स है, मान लो मेरे पास है क्या बोलते हैं हम कर लेते हैं BATLE, हम ऐसे कर लेते हैं बैटल, आई नो डबल टी आता है, मान लो मेरे पास 5 है, 5 × 5 बनाना है तो क्या हो जाएगा सीधा? 5 factorial। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 × 4 × 3 × 2 × 1 वी कैन राइट 5 factorial। क्लियर? थोड़ा लाउड, अगर कोई रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन वाला पॉइंट मैंने भी पढ़ाना है कि जब रिपीटेशन हो तो क्या होती है। हाँ मान लो, अभी एक पॉइंट और आएगा, मान लो मेरे को 8 में से 6 यूज करने होते, अब क्या करता? 6 factorial 8p6, 8 में से 6 तो यूज करने, 1 2 3 4 5 6, पहले के लिए 8, अगले के लिए 7, अगले के लिए 6, अगले के लिए 5, अगले के लिए 4 3।
करना है, पेपर में सॉल्व तो करना ही करना है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस, पूरा मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुई बात? किस किस को क्लियर हुई? हाँ अक्षदीप कंफ्यूज है, डाउट पूछो। तो चलो चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करो राइट नाउ। मंडे वाला क्वेश्चन है बेटा, डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्या कहता है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे से बनाना है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। अगर कोई भी लेटर रिपीट ना हो क्या करें सर? कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, 6 फैक्टोरियल सीधा। ये क्या हुआ? पहले में चार है। अच्छा पहले में चार है तो क्या हो जाएगा बेटा? 6P4 सॉल्व कर देना। ऑल लेटर्स आर यूज, 6 फैक्टोरियल। ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट इज अ वॉवल। अब देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसको परमुटेशन से कैसे करते हैं, अगर परमुटेशन से प्रेजेंटेशन देनी हो। एक बार वो भी बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट वॉवल है ना, वॉवल के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? एक बार ये चेक कर लो, वॉवल्स कितने हैं? ओ ए दो है। तो फर्स्ट वॉवल, वॉवल के लिए कितने ऑप्शन? अब अरेंजमेंट कितने की करनी है मेरे को? 5 की करनी है, तो 2×5 फैक्टोरियल। चाहो तो ऐसे लिख दो या चाहो तो अपनी पुरानी वाली चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। क्या पहले के लिए 2 ऑप्शन, अब अगले के लिए कितने रह जाएंगे? 5, अगले के लिए 4, 3, 2, 1, खत्म। इट्स अप टू यू, पॉइंट क्लियर? देखो परमुटेशन से करना हो कैसे, सर मैं आपको बता दूँ, इसे हम परमुटेशन ही बोलते हैं। ये परमुटेशन नहीं है, इसका मतलब 6P6 होता है कि 6 में से 6 यूज करना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 9। अब आएगा खेल, जब रिपीटिशन हो, जब रिपीटेशन हो तो कैसे होता है? जरा ध्यान से पढ़िए क्या कहता है ये। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद का यूज करके करना है। हाँ जी, कैसे करें सर? नॉर्मल है, सिंपल। देखो कैसे, अलाहाबाद कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स हैं काउंट करना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्या मिस कर दिया? एक ए यहाँ पर, तो 9। हमारे पास 9 लेटर्स है, 9 का यूज करना बेटा, क्या बनेगा वो बता तुम। पहले सब 9 के 9 यूज करने हैं ना, तो क्या बना इसका? 9 फैक्टोरियल। अब जब रिपीटिशन आ जाए, जब रिपीटिशन आ जाए तो जो रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। रिपीट क्या हो रहा है? ए कितने टाइम्स, ए कितनी बार हो रहा है? 4। और एल कितने टाइम्स? तो जो रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात? दोबारा सीखो पूरे का। अगर अलाहाबाद का बनाना होता क्या बनता? 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन क्या हो रहा है? ए 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, एल 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। क्लियर? सॉल्व कर ले कैसे? 9×8×7×6×5×4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का 2×1। सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आगे। चलो एग्जांपल 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन करके दिखाओ राइट नाउ।